चलिए, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे लास्ट टाइम, उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब कई बार हम लोगों को क्या दिया जाता है, जैसे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 18 था आपकी बुक का, हम लोगों को इक्वेशंस दी गई हैं तीन ट्रायंगल्स की साइड्स की, और बोलता है हमें इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड चाहिए। मींस ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया जिसको हमने डिफरेंट लाइंस के साथ हमने सिग्निफाई किया हुआ है। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे इन इक्वेशंस को, और फिर हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। लेट्स से हम इसको एक्स वन वाई वन ले लेते हैं, हम इसको एक्स टू वाई टू ले लेते हैं इस कोऑर्डिनेट को, और इस कोऑर्डिनेट को एक्स थ्री वाई थ्री ले लेते हैं। आप यहां पे क्या करेंगे, आप यहां पे ए बी और ए सी की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स वन वन वाई वन मिलेगा। ठीक है, तो अब देखें यहां पे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं 4x प्लस टू वाई इक्वल्स टू माइनस टेन, सो आई विल बी गेटिंग, और इसको सपोज ये एक्स वन वाई वन इज द पॉइंट, जैसे मैंने आपको बोला इन दोनों का पॉइंट, तो हमारे पास क्या जाएगा 5x1 इज इक्वल्स टू माइनस टेन और x1 इज इक्वल्स टू माइनस टू। अगर x1 माइनस टू है तो y1 माइनस वन हो जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस टू माइनस वन आ गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो और एक्स प्लस वाई, यानी हमें एक्स टू वाई टू मिलेगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स टू माइनस टू वाई टू इज इक्वल्स टू जीरो, और इसको हम लिख सकते हैं टू एक्स टू प्लस टू वाई टू इज इक्वल्स टू सिक्स। अगेन आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो व्हाट यू विल बी गेटिंग, हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स टू इज इक्वल्स टू माइनस सिक्स और एक्स टू इज इक्वल्स टू सिक्स। वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स टू तो आपके पास वाई टू का वैल्यू आ जाएगा माइनस थ्री, सो यू हैव गॉट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ये आपको मिल गया। सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, जस्ट सब्ट्रैक्ट देम, यू विल गेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू थ्री, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस फाइव। सॉरी, एडिशन ही है क्योंकि
दिस इज प्लस सिक्स ये आएगा आपके पास। यहां पे मैंने छोटी सी गलती कर दी, सब्ट्रैक्ट नहीं आएगा बिकॉज साइंस ऑपोजिट है। ये भी 4x पे एडिशन में ही होगा, गलती से मैंने लिखा। ये एडिशन आएगा तो ये हमारे पास बनेगा 3x2 = 6, x2 = 2। x2 अगर 2 है y2 1 होगा। लेट मी चेक, मैं सही भी कर रहा हूं कि नहीं। -8 - 10 + 8 - 2 - 10 by 1 = 2। ठीक है, x2 = 6। x2 की वैल्यू डाल दी हमने 6, 2 + y = 3, y = 1। ये भी ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -x = 8। ये x3 बन जाएगा एंड x3 = 8 आ गया, तो y3 की वैल्यू पुट करते हैं, -8 आ गया, सॉरी, तो -8 + 3 ये आपके पास 11 आ जाएगा। तो अब यहां पे हमें मिल गया, तो सेंट्रोइड हमारे पास सिंपली ये आ जाएगा -2 + 2 - 8/3 एंड -1 + 1 + 11/3। सो दिस इज द आंसर फॉर अस, दिस गिव्स अस फाइनली -8/3 एंड 11/3। तो जब आपको साइड्स दी होगी होंगी तो आपको उसके कोफिशिएंट्स निकालना, सॉरी उसके कॉर्नर पॉइंट वर्टिसेस निकालने पड़ेंगे एंड देन वी विल बी एबल टू गेट द आंसर। देखिए 19 क्वेश्चन है नेक्स्ट, सिंपल सा ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये बोलता है कि इफ द लाइंस 3y + 4x = 1, जिसको मैं लिख सकता हूं 4x + 3y - 1 = 0, 1। फिर हमारे पास y = x + 5, विच कैन बी रिटन एज x - y + 5 = 0। एंड थर्ड है हमारे पास 5y + bx = 3, जिसको मैं लिख सकता हूं bx + 5y - 3 = 0। ये तीन इक्वेशंस हमारे पास बन गई। जब ये तीन इक्वेशंस हमारे पास बन गई तो अब मेरे पास लाइन कॉन्करेंट होंगी, तो हम लोग क्या लिखते हैं, इफ लाइंस आर कॉन्करेंट वी टेक इट एज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 = 0।
यही हमारे पास आता है। सो वी नीड टू डू ओनली दिस थिंग। तो हमारे पास यहां पे क्या आएगा, हमारे पास यहां पे आएगा 4, 3 माइनस 1, 1 माइनस 1 प्लस 5, बी 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। चले जी मुझे यहां से वैल्यू फाइंड आउट करके दीजिए। ये हम लोगों को सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जस्ट डू इट फॉर मी, फिर आगे चलते हैं। देखें जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। हमारे पास बोल रहा है द लाइन 3x + 4y = 12, कट द एक्सिस एट ए एंड बी, इफ ओ इज द ओरिजिन देन द फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी। देखिए हमारे पास इक्वेशन दी गई है, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जब भी आपने क्वेश्चंस करने ना एक छोटा सा इसका रफ स्केच बना लीजिए, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसने हमें बोला कि कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और यहां पे एक लाइन है 3x + 4y = 12, इट इज कटिंग द एक्सिस एट ए एंड बी। यही बोला हमें कि इफ ए एंड बी एट ए एंड बी, तो हम लोग इस पॉइंट को ए ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम बी ले लेते हैं, और ये बोलता है कि ओ इज द ओरिजिन, ओके एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी फाइंड आउट करना है, यानी हमें ये फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। अब बेस हमारे पास क्या है, वो होगा ये, और यहां से हमें इसका अल्टीट्यूड मिल जाएगा बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री होता है, यू नो दैट। तो हम इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आएंगे, तो हम लोग लिखेंगे From first थ्री एक्स अपॉन 12 प्लस 4y अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 1, एक्स अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। तो हेयर a इज इक्वल्स टू 4, b is equals to 3, therefore area of triangle is half into 4 into 3 is equals to 6 square units. So this is the answer for us. So it was very simple. It was now another one, 21. The equation of the line passes through the point -5, -4, -5, -4 and parallel to x-axis. Point is -5, -4 and parallel to x-axis. Any line parallel to x-axis having its y-coordinate fixed. So, yahan hamesha required equation will be considered according to the y coordinate, so y is equals to -4 is the answer. Or y + 4 = 0. Let's move to the next one. Ye to simple sa hi tha, ye to aise hi ho gaya. The next is the equation of the line passing through the points. Two points given hai, A, -1, 4 and B, 5, -3.
टू पॉइंट को हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, वाई माइनस वाई वन अपॉन y2 minus y1 is equals to x minus x1 upon x2 minus x1. सब कुछ आपके पास गिवन है, यू जस्ट हैव टू पुट द राइट थिंग एट द राइट प्लेस. तो y माइनस वाई वन यानी y माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री माइनस फोर इज इक्वल्स टू x माइनस x1 यानी x प्लस वन अपॉन 5 प्लस 1. बस यहां से आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है. दिस इज सिक्स वाई माइनस 24 इज इक्वल्स टू माइनस सेवन एक्स प्लस सेवन माइनस सेवन एक्स माइनस सेवन एंड दिस बिकम्स सेवन एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस सेवनटीन इक्वल्स टू जीरो. सो सिंपल इट वॉज राइट. चले ट्वेंटी थर्ड इज आप खुद से करेंगे स्लोप निकालने. 24th द इक्वेशन 24th भी सिंपल है, ये भी आप करेंगे. मैं 25th करता हूं. ये बोलता है हमारे पास कि द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर, हमारे को एक ट्रायंगल दिया गया है. ये ट्रायंगल हमारे पास और ये बोलता है इसके वर्टिसेस दिए गए हैं ए माइनस वन सिक्स, बी माइनस थ्री माइनस नाइन, एंड सी फाइव माइनस एट. और ये बोलता है हमारे को इक्वेशन ऑफ द मीडियन बीई फाइंड आउट करना है. दिस इज बी एंड इसको मैं बी ई मान लेता हूं. इसके हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. सिंपल है, सबसे पहले आप ई के कोऑर्डिनेट्स निकालें. वो आपको पता है मिड पॉइंट ऑफ आएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई आर माइनस वन प्लस फाइव अपॉन टू सिक्स माइनस एट अपॉन टू. ये आ जाएगा आपके पास टू और माइनस वन. तो ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गया टू माइनस वन. अब आपको इक्वेशन ऑफ बीई फाइंड आउट करना है. इक्वेशन ऑफ बीई आप फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म जो अभी हमने पीछे यूज किया. आप इसको नोट करिए और मुझे इसका आंसर दीजिए. फाइंड मी फाइंड इक्वेशन ऑफ बीई फॉर मी एंड देन विल मूव अहेड. आई एम वेटिंग, काइंडली डू इट फास्ट and give me the answer for this. चलिए ये हमारे पास आ जाएगा. अगर मुझे BE का equation find out करना है तो this will be y plus 9 upon minus 1 plus 9 x plus 3 upon तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा. दिस विल बिकम
y plus 9 upon 8 is equals to x plus 3 upon 5. 5y plus 45 is equals to 8x plus 24. So this will be 8x minus 5y minus 21 equals to 0. So this will be the final equation. चले जी इसको रख करते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एंगल फाइंड आउट करना है. ये बोलता है फाइंड द एंगल बिटवीन, इफ द एंगल बिटवीन के एक्स प्लस वाई प्लस एट इक्वल्स टू जीरो एंड थ्री एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो. एंड इफ थीटा जो इसके बीच का एंगल है वो पाई बाय फोर है, हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है. इफ थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय फोर तो हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो यहां पे हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, इट्स एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू. तो यहां पे आपके पास एम वन क्या है, एम वन इज माइनस के अपॉन वन और एम टू इज माइनस थ्री अपॉन वन. तो देयरफॉर एंड थीटा इज पाई बाय फोर तो वी हैव टेन पाई बाय फोर is equals to minus k plus 3 upon 1 plus 3k. अब 10 pi by 4 होता है 1, और जब हम इसका mod हटाते हैं तो हम इसको लिखते हैं plus minus, ये बन जाएगा 3 minus k upon 1 plus 3k. आपको ये values बस इसके साथ कंपेयर करनी है, तो आपके पास एक आ जाएगा वन इज इक्वल्स टू थ्री माइनस के अपॉन वन प्लस थ्री के, और एक आ जाएगा आपके पास वन इज इक्वल्स टू के माइनस थ्री अपॉन वन प्लस थ्री के. आ जाएगा वन प्लस थ्री के इज इक्वल्स टू के माइनस थ्री. This becomes 4k is equals to 2, k is equals to 1 upon 2, और ये आपके पास आ जाएगा 2k is equals to minus 4, k is equals to minus 2. तो हमारे पास k की दो वैल्यूज आ गई, या तो 1 by 2 या minus 2, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ 1 by 2 है तो हम सिर्फ 1 by 2 को कंसीडर करेंगे. अगर दोनों होती है तो फिर हम दोनों को कंसीडर करते हैं. नाउ इसी चीज को यूज करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 में है द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द रीजन एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द लाइन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5. अब हमारे पास एक लाइन है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5. सपोज एक लाइन है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, और हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इससे
इस लाइन से 45 डिग्री का एंगल बना रही है, जिसका एंगल इसके साथ 45 डिग्री का बन रहा हो। और ये वाली लाइन क्या है, ये लाइन है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। तो यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। सो देयरफॉर हम m1 इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, 2। इसका स्लोप हमारे पास 2 है, राइट। एंड अगेन हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री दिया गया है, एंड हम कहते हैं लेट m2 इज इक्वल्स टू, हम m से डिनोट कर लेते हैं। तो वी हैव, जैसे हमने पहले वैल्यू निकाला k का, इस बार हम लोग m का वैल्यू वैसे ही निकालेंगे। ये आ जाएगा tan 45 इज इक्वल्स टू एम माइनस टू अपॉन वन प्लस टू एम, सेम चीज यूज की। और यहां पे फिर हम इसको वैसे ही यूज करेंगे, हमारे पास एम की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस एम माइनस टू अपॉन वन प्लस टू एम, वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने पीछे फाइंड आउट किया। अब यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वन इज इक्वल्स टू एम माइनस टू अपॉन वन प्लस टू एम, और वन इज इक्वल्स टू, जब माइनस साइन लेंगे तो ये बन जाएगा टू माइनस एम वन प्लस टू एम, वन प्लस टू एम इज इक्वल्स टू एम माइनस टू, ये वन प्लस टू एम इज इक्वल्स टू टू माइनस एम। इफ यू सी हियर, ये आ जाएगा एम इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, और यहां पे आ जाएगा एम इज इक्वल्स टू थ्री एम एंड वन वन बाई थ्री। The reason is why we will be having two m's here. The reason is very simple. The reason is because एक लाइन हम लोगों ने ऊपर की तरफ बनाई, बट जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ये लाइन जो है वो यहां से नीचे की तरफ हो। तो लाइन कैन बी ऑफ, इफ यू सी, तो लाइन कैन बी एनी लाइन, लाइक इट कैन बी अबव द गिवन लाइन, it can be below the given line. So in that case, what we will be having that m can be positive and can be negative. So there could be possibility of two equations. Ab ye bolta hai, it passes through origin. Aur origin se agar pass hoke ja raha hai, to kya jayega ye? y माइनस जीरो यानी y इज इक्वल्स टू एम एक्स यानी माइनस थ्री एक्स, और यह आ जाएगा y इज इक्वल्स टू या थ्री वाई इज इक्वल्स टू एक्स। अब आपके पास या तो इक्वेशन बन जाएगी y प्लस थ्री एक्स इक्वल्स टू जीरो या थ्री वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो आप इनमें से कुछ भी लेके चलेंगे, यू विल बी हैविंग दैट आंसर। ठीक है जी, तो इस तरह से हम ये आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप इसको नोट करें, दोनों जगहों पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया, वी ट्राई टू फाइंड आउट कि एंगल क्या है, और एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमने सिंपल एंगल का फॉर्मूला यूज किया। शाबाश, देखिए इसको नोट करें, जो चीज समझ नहीं आए वो पूछे, आज इतने रखेंगे, कल करेंगे आज कंटिन्यू, कुछ थोड़ा सा काम है, तो विल डू इट टुमारो। आज आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा एंड काइंडली ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चंस आल्सो।
सो आज इतने रखेंगे, सी यू टुमारो, बाय फॉर नाउ, कीप डूइंग द वर्क एंड जय।